मुंबई के मलाड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार रमेश सिंह ठाकुर को अपना जनसमर्थन देने के लिए मुस्लिम समुदाय के जमीयत उलेमा के मुंबई अध्यक्ष अब्दुल सलाम खान कासमी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और खुले मन से भाजपा को अपने समर्थन देते हुए भाजपा उम्मीदवार रमेश सिंह ठाकुर को बहुमत से जिताने की अपील की और मुस्लिम समाज की समस्याओं पर भाजपा को ध्यान देने पर धन्यवाद किया। पेश है हमारे मुंबई के संवाददाता देवेश गगलानी की एक खास रिपोर्ट। आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और शुक्रिया। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इलेक्शन का जमाना है, हम लोग इस वक्त विकास पुरुष ठाकुर रमेश सिंह के हिमायत के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में आए हैं। वैसे हम लोग जब से इलेक्शन शुरू हुआ है ठाकुर साहब के लिए काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि लोगों को बताना भी है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौम का रुझान क्या है और मालूनी की आवाम क्या चाहती है। आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि असलम शेख कारपोरेटर रहे, एमएलए रहे, बल्कि उनका पूरा खानदान सियासत में रहा, लेकिन मालूनी जो आज अम्बोजवाड़ी और आजमी नगर तक पहुंच चुकी है उसके मसाइल जूं के तू रहे। और इस मौके पे तो उन्होंने खुल करके एतराफ किया कि भाई मुझसे काम नहीं हुआ, अब आइंदा मुझे वोट दोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे। आप हजरात को बताने की जरूरत नहीं है कि मालूनी और ये मलाड के एरिए में समस्याएं क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं। हम लोग जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं उसके नौजवानों को नशे की लत लगी हुई है और ये नशे की लत छूट भी सकती थी, ख़त्म भी हो सकती थी, इस पर पाबंदी भी लग सकती थी अगर शासन और प्रशासन, एमपी और एमएलए और नगर सेवक उसमें दिलचस्पी लेते तो नशा मुक्त मालूनी मलाड हो सकता था। लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि जानते हैं कि हमको लोगों ने चुन लिया है, 5 साल तक मैं टस से मस होने वाला नहीं हूं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, लोग काम देख करके अब वोटिंग करेंगे। यूं तो मालूनी में मसाइल बहुत हैं, सबसे अहम मसला मालूनी पहले कलेक्टर कंपाउंड 7 नंबर तक थी, लेकिन अब मालूनी की आबादी पहुंचते पहुंचते महाड़ा, अम्बोजवाड़ी और आकाशवाणी तक पहुंच चुकी है। ट्रैफिक का ऐसा मसला है कि एक पेशेंट को और हार्ट के पेशेंट को अगर लेकर के चलें आप महाड़ा से तो मेन रोड तक आते आते वो दुनिया को छोड़ जाएगा। जब तक मालूनी डिपो के बगल से जो रास्ता कच्चे रोड में मिलता है जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाएगा और मिल्लत नगर से रोड को जोड़ा नहीं जाएगा जब तक मालूनी के ट्रैफिक का मसला हल होने वाला नहीं है। लिहाजा इस पर हमारे होने वाले एमएलए ने ये एतमाद दिलाया है, ये वादा किया है कि हम ट्रैफिक के मसले को और नशा मुक्त की तरफ हम मालूनी को लेकर के जाएंगे। अम्बोजवाड़ी की आबादी जो न्यू भाभीकर नगर और भाभीकर नगर से जानी जाती है वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी आबादी है और हो रही है, लेकिन वहाँ पानी की लाइन नहीं डाली गई है और लाइन डालना कोई मुश्किल काम नहीं था, अगर डाल देते तो ये वाटर टैंक माफिया जो है उनकी आमदनी बंद हो जाती और वो सब ले दे के किसी न किसी तरीके से हमारे विधायक से वो वाबस्ता हैं, इसलिए मालूनी में अम्बोजवाड़ी में पानी के मसले को हल नहीं किया गया। टैंकर से पानी आता है और मनमानी तरीके से बिकता है। सड़कों पर आप देखें, एक तो सड़कें छोटी हैं, उसके ऊपर से नाजायज़ कब्जे हैं। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, कि कितने स्कूल के बच्चों की जगह पर मौत हो चुकी है। मौत हो जाने के बाद मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के लोग आते हैं, रोते हैं और गाते हैं, कुछ दिन ट्रैफिक हट जाती है, नाजायज जो अवैध कब्जे हैं वो हट जाते हैं, फिर जो डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग हो जाती है, इसकी वजह से एक बस का अपनी रफ्तार से गुजरना
पांच नंबर से एक बल्कि एक नंबर से लेके वहां तक बड़ा मुश्किल काम है। मसाइल तो बेपनाह हैं, लेकिन वो मसाइल जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से है और जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे स्कूल की है, कॉलेज की है, हॉस्पिटल की है, ले दे के भूमि पार्क में एक हॉस्पिटल बना गया, लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं वो आप हजरात से छुपी हुई नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि इस वक्त जितने कैंडिडेट मालूनी और मलाड के एरिए में इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं, उन तमाम कैंडिडेट में बगैर पार्टी को उसको देखे हुए, बगैर उसकी समाज को और जात पात को देखे हुए एक सर्वे सामने आया, जिस सर्वे को लेने के बाद आखिर में हम लोग कहने पर मजबूर हुए हैं कि कांदिवली ईस्ट में ठाकुर रमेश सिंह ने जिस अंदाज से जो काम किया है और विकास की जो गंगा बहाई है उन्होंने, मालूनी और मलाड के लोग खुशकिस्मत हैं कि ठाकुर रमेश सिंह इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं उनसे और उनके सहयोगियों के बातचीत के बाद कि ठाकुर रमेश सिंह जब एक दफा मलाड वेस्ट में आ जाएंगे और मालूनी में आ जाएंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मालूनी और मलाड भी कांदिवली ईस्ट की तरह हरा भरा और साफ सुथरा होगा, न सड़कों की समस्या होगी, न नाली और गटर की समस्या होगी, न स्कूल और कॉलेज, न हॉस्पिटल की किल्लत होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने बगैर जात और धर्म और ऊंच नीच को देखे हुए ठाकुर रमेश सिंह के कामों की बुनियाद पर उनकी हिमायत का फैसला किया है और हमें आपके माध्यम से उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ को पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आम तौर से और ख़ास तौर से मालूनी और मलाड में जहां जहां ठाकुर रमेश सिंह के एरिए के वोटर रहते हैं उनसे अपील करेंगे आप भी, और हमारी भी अपील है कि वो कुछ ना देखते हुए, सिर्फ ये देखते हुए कि जो शख्स हमारे दरमियान में इलेक्शन लड़ रहा है जिसने विकास के काम किए हैं। अभी हमारे एमएलए ने एक सियासी पार्टी एमआईएम के कैंडिडेट को भी फोड़ा, तो तोड़ और फोड़ में चलता रहता है। इससे हम लोग दिल को छोटा करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे ठाकुर रमेश सिंह से कि तुंदिये बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सियासत में और किसी मैदान में जब तक नोक झोंक ना हो, उठा पटक ना हो, मजा नहीं आता है। तो ठाकुर रमेश सिंह जो समझ रहे थे कि हम तो एक तरफ से जीत रहे हैं, तो अब थोड़ा ठाकुर साहब को मेहनत करने की जरूरत है, और हम लोग तो पूरे जी जान के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं, घर घर जाकर के उनसे मिल रहे हैं कि अपने वोट को जाया मत कीजिए। ये मत देखिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे सामने वाला कैंडिडेट मुसलमान है, हमको मुसलमान को चुन करके कोई मस्जिद का इमाम मुतय्यन नहीं करना है। हम ये इंतखाब जो लड़ रहे हैं किसी मस्जिद के या दरगाह के मुतवल्ली की बातें नहीं लड़ रहे हैं कि मुतवल्ली को चुन रहे हैं। हम ऐसे काम के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे एरिए का विकास हो और हमारी समस्याएं दूर हों। और ये खुशकिस्मती है इस देश की भी, प्रदेश की भी, कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी की हुकूमत है, और बीजेपी की हुकूमत ना होती सिर्फ तन्हा ठाकुर रमेश सिंह ने भी, जब बीजेपी देश में नहीं थी, ठाकुर रमेश सिंह कांदिवली ईस्ट में थे, कांदिवली ईस्ट को हमने सुना नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखा है। और तकबर सर 80 से मैं बम्बई में हूँ, ईस्ट वेस्ट को मैं जानता हूँ, मैं जमीतुल उलमा मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ, इस नाते भी हर जगह मेरा आना और जाना रहता, लोगों से मिलना रहता है। फितना और फसाद के ज़माने में 92-93 के अंदर भी ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल सुकून था। हम चाहते हैं कि वही सुकून का माहौल जो है देश के अंदर बना रहे। और जो सब मुस्लिम की दुहाई देते हैं हमारे एमएलए साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जबकि कहने की चीज़ नहीं है, कि मालूनी में एक मस्जिद है, सिर्फ उसकी दीवार को बनाना है। जो शख्स अपने बाप से लेकर के आज तक कम से कम 30 से 35 साल तक, बल्कि उसके जिम्मेदार भी हैं, जब एक मस्जिद की दीवार को बना नहीं सके तो फिर मुस्लिम होने की दुहाई क्या देते हैं। अरे मैदान में आओ,
अपने काम की बुनियाद पर वोट मांगो, मुस्लिम होने की बुनियाद पर वोट मत मत मांगो। अगर आप हजरात को कुछ इस विषय में सवाल, ये जिम्मेदार हमारा MLA है, अगरचे वो काम हमारे नगर सेवक के आते हैं, लेकिन जितने नगर सेवक हैं वो हमारे आमदार के लाए हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं तक जिम्मेदारी जो है डायरेक्ट हमारे असलम शेख साहब की बनती है कि अगर वो अपने कारपोरेटरों को टाइट करते तो ये दिन ना देखने को मिलते। अभी चुनाव आ गया है तो वादे किए थे उन्होंने, 5 साल पहले वादा किया था और फिर 5 साल के बाद आया। इनकी इतनी गलत उनकी सही है कि 5 साल में बराबर जगते हैं। अब कुंभकर्ण की नींद सोने वालों से मालूनी के आवाम जो है वो होशियार हो चुकी है कि जो सिर्फ इलेक्शन में वादा करता हो। अरे काम करो और कहो कि मैंने पिछले इलेक्शन में ये चीज नहीं थी, मैंने ये करके दिया, हमने ये वादा किया था ये करके दिया, इसलिए मुझे अगले 5 साल के लिए चुनो। मीडिया ने कुछ समय पहले उनसे एक सवाल किया था, मैं आपकी बात का जवाब तो दूंगा ही, इतना और कहूंगा कि असलम शेख, जैसा कि आप हजरात जानते हैं मीडिया बंधु, किन किन सियासी पार्टियों के चक्कर नहीं काटे। मालूम हुआ कि शिवसेना में जा रहे हैं, मालूम हुआ BJP में जा रहे हैं, और ये वो शख्स हैं कि सबसे आखिर में कांग्रेस ने इनका पार्टी टिकट डिक्लेयर किया। तो ये खुद इतने मुतमईन नहीं थे, सक्षम नहीं थे कि वो पार्टी से, जब दूसरी पार्टियों ने घास नहीं डाला, उन्होंने कहा चलो भाई अपने घर ही में भला है, हारेंगे या जीतेंगे अपने लोगों के बीच में जो रहेंगे हम। और इस वक्त मालूनी में वही लोग उनके स्टेज पे काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह कहता हूं कि जिनका उन्होंने अपने जमाने में काम किया है, किसी को शादी का हाल बना करके दे दिया, किसी को ठेका दे दिया, किसी को रोड दे दिया, किसी को गटर दे दिया, वही है। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम बताने की जरूरत है कि अवैध कब्जा से जिन लोगों की आंखें बंद की हमारे असलम शेख ने, उन्हें वही लोग उसके सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग नौजवान नस्ल है, युवा पीढ़ी है, वो उनके साथ नहीं। युवा पीढ़ी जो विकास चाहती है, और विकास जो है रमेश सिंह से हम उम्मीद नहीं करते हैं, रमेश सिंह से मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि उन्होंने जो ईस्ट में किया है, ईस्ट क्या था, कुछ भी नहीं था, आज हरा भरा है, पौश एरिया में उसका शुमार होता है। तो हमें उम्मीद है कि जब वो आदमी वेस्ट में आएगा तो कुछ पार्टी की होगी और कुछ आदमी के अंदर से करने की इच्छा होती है कि मैं काम करके देखूं। तो अब क्या समझा जाए, मालूम मुस्लिम समाज के लोग हैं, जात पात से ऊपर उठकर विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे। विकास बिल्कुल बिल्कुल सही मुद्दे पे आप पहुंचे कि जात और पात और उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय पूरब भारतीय सबको छोड़ करके विकास के मसले पे सब लोग एक साथ में हैं, और जिस शख्स ने विकास के काम किए हैं उसी को अपना हीरो चुनेंगे ताकि उनके एरिया में भी विकास का काम हो।